पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं सीता सोरेन। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज के मुख्य समाचारों की। साक्ची थाना क्षेत्र के शुभांकर हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर कई सामान बरामद किया। मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर पर चंदन कुमार का स्वेटर ट्रेलर के हुक में फंस गया, काफी दूर तक चंदन घसीटता चला गया। साल की विदाई और नए साल के आगमन के मद्देनजर पुख्ता पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसीलिए एमजीएम अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और विभागाध्यक्ष डॉक्टरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। खबरें अब विस्तार से। साक्ची थाना क्षेत्र के शुभांकर हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर कई सामान बरामद किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अनूप बीरथरे ने बताया, 22 दिसंबर की रात में शुभांकर हल्दर की हत्या स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की गई थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने कपाली ओपी थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद तनवीर कुरैशी उर्फ जोंटी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक चाकू, मृतक का 2 मोबाइल, अभियुक्त का 1 मोबाइल, अभियुक्त की स्कूटी और अभियुक्त का खून लगा फुल पेट बरामद किए गए हैं। दिनांक 23 दिसंबर को साक्ची थाना अंतर्गत एक मर्डर का केस दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति हैं शुभांकर हल्दर, उनकी डेड बॉडी साक्ची में नदी के किनारे मिली थी, जिसमें कि चाकू से मारे जाने का या गोली से मारे जाने की शंका प्रकट की गई थी। इस मामले में साक्ची थाना प्रभारी डीएसपी सिटी और उनकी पूरी टीम ने इस केस का उद्भेदन किया है। इसमें एक्चुअली एक अभियुक्त है मोहम्मद तनवीर कुरैशी उर्फ जोंटी, इनकी अरेस्टिंग जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसको बरामद किया गया है। मृतक के 2 मोबाइल फ़ोन जो कि उनके मर्डर के बाद गायब थे, वो दोनों मोबाइल फ़ोन अभियुक्त तनवीर कुरैशी के पास से बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो एक्यूज्ड है तनवीर कुरैशी। मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर पर चंदन कुमार का स्वेटर ट्रेलर के हुक पर फंस गया, काफी दूर तक चंदन घसीटता चला गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है सोमवार को चंदन कुमार को अपने घर पुरुलिया जाना था। साक्ची से ऑटो में बैठकर मानगो बस स्टैंड बस पकड़ने के लिए जा रहा था। मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर के पास खड़ी ट्रेलर और ऑटो सटी थी, जबकि चंदन का स्वेटर जो वह पहन रखा था तथा स्वेटर बाहर निकला था। स्वेटर ट्रेलर के हुक में फंस गया और चंदन घसीटता चला गया। उसे गंभीर घाव लगी है। बाद में स्थानीय लोगों ने चंदन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया है। इधर स्थानीय व्यक्ति राकेश ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई के संबंध में बताया। क्या चीज़ बता आदमी? टेम्पो में था। टेलर का चक्का से घसटा किया और उसको लेके एमजीएम हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये हुआ कल चक्कर का पास में, यही तो कल चक्कर ये आपका पीपल घास का करीब। कैसे हुआ है घटना? क्या चीज़ बता आदमी? टेम्पो में था, अगबत्ती में घुस गई है।
फिर वहाँ पर कहाँ है वो? प्रशासन और शासन इसको रोका, रोक के गाड़ी साइड करवाया, वो लोग को MGM लेके गया है। कितना लोग चोट लगा है? एक लड़का तो। ज्यादा नहीं है? एक ही? एक लड़का। क्या नाम आपका? राकेश। ये कौन सा गाड़ी था? टेलर। टेलर हो गया, टेलर है ना। देखे तो बाएं साइड में थे, टेम्पो से लग रहा, टेम्पो से गिर गया, टेम्पो से गिर गया तो लग गया पेट में। टेलर जो जा रहा था, टेलर से टकरा गए? टेलर में तो हम देखे नहीं है, सिपाही वहाँ है उसे बता सके। टेलर तो पकड़ाया है ना? हा? हम तो आ गए यहाँ, अब पकड़ाया का करे, टेलर है वहाँ पे। इस साल की विदाई और नए साल के आगमन के मद्देनजर पुख्ता पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP अनूप बिरथरे ने बताया, 25 दिसंबर से पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है, साथ साथ 31 दिसंबर की शाम से नए वर्ष की दूसरी तारीख को विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पिकनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे, खासकर शराब पीकर बाइक चलाने वाले बाइकरों, छेड़खानी करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रखी जाएगी। अगर कहीं जरूरत होगी तो वीडियोग्राफी इत्यादि भी हम लोग कराएंगे। दिसंबर न्यू ईयर की ईव पर और 1 जनवरी के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारियां जमशेदपुर पुलिस ने की हैं। एक डिटेल मीटिंग थाना प्रभारियों की और DSP ट्रैफिक और ट्रैफिक के थाना प्रभारियों की CTSP के नेतृत्व में की गई है। हम लोगों ने इसमें एक्चुअली 2 तरह की स्ट्रेटजी बनाई है। पहला तो है कि जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, पार्टी के जो स्पॉट्स हैं, उनमें हम लोग स्टैटिक फोर्स रखेंगे, चाहे वो क्लब हों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे रिजॉर्ट हों। और इसके अलावा हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग है, जिसमें बाइक पेट्रोलिंग और जो थाने की पेट्रोलिंग है वो लगातार एक्टिव रहेगी, जिससे कि लोग शराब पी करके गाड़ी ना चलाएँ, आपस में झगड़ा ना करें और छेड़खानी इत्यादि की घटनाएँ ना हों। इसके अलावा दिनांक 31 तारीख को शाम से लेकर देर रात तक हम लोग ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाएँगे। शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और जो जुर्माना नियम के अनुसार है वो जुर्माना उनके ऊपर में। DC ने MGM अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और विभागाध्यक्ष डॉक्टरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बताया जाता है MGM अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य, किए गए निर्माण कार्य और होने वाले कार्यों के संबंध में DC रविशंकर शुक्ला ने सोमवार को अस्पताल अधीक्षक के चैम्बर में समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें अस्पताल अधीक्षक, उपाधीक्षक और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शामिल थे। इधर DC ने बैठक के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और उस समिति के द्वारा जो भी प्रशासन और हॉस्पिटल से रिलेटेड समन्वय के मुद्दे हैं उनको लेकर के समीक्षा होती है। चूँकि यहाँ पर कई सारे कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, तो जो संबंधित विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुला करके और जो सभी विभागाध्यक्ष हैं उन लोगों को बुला करके भी उनके कंसर्न्स के बारे में चर्चा की गई। सर, बहुत से कमी है या कौन सा काम हो चुका है या नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा हुआ होगा जी? इनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल में जो संबंधित पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो अन्य कर्मी हैं उनके स्तर से भी इसमें समन्वय स्थापित करके कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है और इस प्रकार की बैठक हर महीने हम लोग संपादित करेंगे। भाजपा समर्थकों ने DC को ज्ञापन सौंप कर शिलापट तोड़ने, भाजपा का झंडा जलाने और पार्टी समर्थकों को डराने धमकाने के खिलाफ शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। DC को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल पार्टी के जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष विनोद सिंह, महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार व अन्य शामिल थे। इधर महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया, राज्य विधानसभा का चुनाव परिणाम के बाद निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थक एवं असामाजिक तत्व लगातार सरकारी शिलापट तोड़ने, पार्टी झंडा जलाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। DC से इसकी शिकायत की गई है। DC ने मामलों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। लगा हुआ था उस शिलापट को भी तोड़ दिया गया, तो इस तरह से असामाजिक लोग और विशेष रूप से मुझे कहने भी कहीं किंतु परंतु नहीं है कि निर्दलीय विधायक के समर्थक
वैसे लोग हाँ जी सारे दिन सील जिन योजनाओं का शिलान्यास पूर्व में हो चुका है और अब उद्घाटन तो कोई और करेगी माननीय मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। 20 तारीख को चुनाव परिणाम आने के पश्चात ही निरंतर निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थक एवं असामाजिक तत्वों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना भारतीय जनता पार्टी के झंडे का निकाल कर फेंक देना उनको पैरों से कुचलना तथा आग लगा देना साथ साथ जो सरकारी काम हुए हैं जिस पर अपने राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी की अनुशंसा पर एवं सांसद विदुरण महतो की अनुशंसा पर जो सरकारी शिलापट लगाए गए हैं उस शिलापट को लगातार तोड़े जा रहे हैं। कल रात्रि भी एक शिलापट को न्यू डीएस फ्लैट में तोड़ा गया और इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देकर के भारतीय जनता पार्टी को डराने और भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसका भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। हम सभी लोगों ने जिला के उपायुक्त को पूर्ण रूप से विस्तारपूर्वक सारी बातों से अवगत कराया है तथा उचित कार्रवाई की मांग की है। जो पार्टी से निष्कासित नेता है जनता शक्ति दल की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 दिसंबर को दुमका में चुनावी सभा के दौरान भगवाधारियों को बलात्कारी बताया था। सोरेन के इस टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को साक्षी गोलचक्कर पर मुख्यमंत्री का जनता शक्ति दल की ओर से पुतला जलाया गया। संगठन के नगर अध्यक्ष विपिन सिंह ने कहा मुख्यमंत्री को अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगनी होगी वरना जगह जगह मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाएगा। जनता शक्ति दल से हैं और हम लोग हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन के विरोध में उनका पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने राजनीतिक मंच से एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी भगवाधारी होते हैं वो बलात्कारी होते हैं। हम हेमंत सर से एक बात कहना चाहते हैं कि आप राज्य के अभी वर्तमान में मुखिया हैं, आपके मुँह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। आपने हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाई है। हम सबों का बस आपसे एक ही कहना है, आपको खुलेआम आकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अभी एक जगह पुतला दहन है, जगह जगह आपका पुतला दहन होगा। आपको इसके लिए माफ़ी मांगना ही होगा हेमंत सरकार जी। कब हुआ था ये? 16 तारीख को हुआ था दुमका में चुनाव प्रचार के दौरान। आपका नाम? विपिन सिंह, अध्यक्ष जनता। वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखिए सिटी न्यूज। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी। A group of diverse experiences and outlooks committed to excellence in preparing our learners. Our vision is to develop well-rounded, confident and responsible individuals full of inspiration and to achieve them their full potential. Listen to, respect and value each child as an individual. Today, the role of the school is not only to perform their academic, but also to motivate and empower its students to be lifelong learners, critical thinkers and protective members of the global society. The school campus reflects many facilities, school classroom, libraries and many other music rooms. A
number of facilities designed to meet their specific requirements. We have with us the school library. The school campus reflects many facilities. A number of facilities designed to meet their specific requirements. The specific school libraries is stocked with many newspapers, magazine and good title books. We have with us our science library. It is used to meet the requirement of activities of school, science, maths, physics, chemistry and biology, provided with excellent equipments and facilities. We have with us multi-purpose hall, used for many major school functions. We have many sports facility as well, many activities both indoor and outdoor. We have chess room, music and yoga. Our complete focus is to provide a support center to our children so that they can continue learning and developing towards becoming a healthy individual. The school always tries its best to maintain the highest quality of academic standard and provide the wonderful environment for studies. So at the end, I would like to end with a quote that imagination is more important than knowledge. Wish you happy new year. मैं पूरोबी घोष एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हूँ. आने वाले नए साल के लिए आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मैं शुभकामना देती हूँ. और समाज में जो महिलाएं बच्चे अत्याचारित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इससे समाज उभर के आए, सभी का जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं मैं देती हूँ. जय हिंद. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. होगी स्वच्छ तचारो, कचरा ना फैलाओ साहिबान, ये है स्वच्छ भारत अभियान. होगा स्वच्छ हमारा देश एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे चारों ओर एक दिन. हम होंगे कामयाब एक दिन. ब्रेक के बाद मैं सीता सोरेन फिर से आपका स्वागत करती हूं. संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से डीसी कार्यालय पर 3 दिवसीय धरना शुरू किया गया. एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर पर डीसी कार्यालय पर सोमवार से 3 दिवसीय धरना शुरू किया गया. इधर संघर्ष समिति के संयोजक मौलाना सरफुद्दीन अजदक ने बताया, एनआरसी और सीएए के खिलाफ 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है. ये हम लोगों का सिलसिला शुरू हुआ था संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से. सबसे पहले 26 दिसंबर को हम लोगों ने गांधी मैदान में जो विशाल सभा की है और जिस शांतिपूर्व तरीके से वो सभा संपन्न हुई है, वो उसकी चर्चा हर जबान पर है, पुलिस प्रशासन की जबान पर है. उनकी जानिब से धन्यवाद आया और पूरे लोगों ने इसको धमक को महसूस किया. सिर्फ जमशेदपुर में नहीं बल्कि झारखंड और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक मिसाल गई है. इसी तरीके से हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है. ये एनआरसी और सीएए
और NPR के अगेंस्ट कि हर हाल में इस काले कानून को हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। ये तो 3 दिवसीय धरना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय महाकीर्तन के शुभ अवसर पर दूसरे दिन लंगर वितरण कार्यक्रम रखा गया। इस संबंध में साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान हरविंदर सिंह मंटू ने बताया, 3 दिवसीय महाकीर्तन दरबार की शुरुआत 29 दिसंबर से शुरू हो गई है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 30 दिसंबर से लंगर वितरण की शुरुआत हो गई है। गुरु नानक सेवा दल और वीर खालसा सेवा दल की तरफ से 3 दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन 29 तारीख को शुरू हुआ है, जो कल सुबह शाम दोनों ही पैर कीर्तन दरबार चला है। आज तीसरा चौकी है, आज कीर्तन दरबार यहाँ चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ संगत पहुँची हुई है। हमारे बीच आज जेल सुपरिंटेंडेंट सतेंद्र चौधरी भी आए थे, हमने उनको सम्मान दिया है। और गुरु का टूट लंगर भी गुरुद्वारा के बीच में चल रहा है। और अभी कल आज रात तक भी दीवान सजेगा, कल सुबह भी दीवान सजेगा, कल भी गुरु का टूट लंगर है। कल रात में दरबार जो है वो 7 बजे से सजेगा, जो कि रात में 1:30 बजे से चलेगा। रात में 12 बजे हम 9 बजे से प्रवेश करेंगे, तो पूरी संगत के साथ में हम वाहेगुरु जाप करते हुए गुरु ग्रंथ साहब का फूल। मानगो डिमना रोड दुर्गा पूजा मैदान में श्रीमद भगवत पूजा समिति की ओर से श्रीमद भगवत साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इधर जयसागर मिश्रा ने बताया, 7 दिनों तक श्रीमद भगवत साप्ताहिक महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो 3 जनवरी तक चलेगी, जबकि 4 जनवरी को भोग भंडारा रखा गया है। श्रीमद भागवत कथा 28 तारीख से आरंभ हुई है, वह 3 तारीख तक चलेगी। 4 तारीख को भोग वितरण प्रसाद वितरण होगा। 1 बजे से 3 बजे तक श्रीमद भागवत महापुराण देवता की पूजन और 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद भागवत कथा होती है। यह 28 तारीख को आरंभ हुआ है और 3 तारीख तक चलेगा। 3 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी और 4 तारीख को प्रसाद वितरण होगा, महाभोग वितरण। 4 तारीख को पूर्णाहुति और भोग होगा। 4 तारीख को भोग वितरण होगा, पूर्णाहुति तो 3 तारीख को हो जाएगी। किस स्थान पे आयोजन? यह स्थान जो है शिव शंकर पूजा समिति स्वर्गीय सहदेव महतो की 29वीं पुण्यतिथि राजनगर ब्लॉक चौक में मनाई गई। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उमा महतो ने नम आंखों से पति को याद किया। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी सहक्रांतिकारी नेता स्वर्गीय सहदेव महतो की 29वीं पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उमा महतो ने नम आंखों से उनकी स्मृति पर माल्यार्पण कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनके साथ समिति के सदस्य तथा उनके सभी चाहने वालों ने भी उनकी स्मृति पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। वहीं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिक्षक सुधीर महतो ने कहा, स्वर्गीय सहदेव महतो झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी नेताओं में सबसे ज़्यादा शिक्षित और बुद्धिजीवी नेताओं में से एक थे। उन्होंने लोगों में एकता का भाव जगाया था। उनका झारखंड आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिस कारण आज भी सभी वर्ग के लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। सहदेव महतो के 29वां शहादत दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। महतो एक झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी कर्मठ अग्रणी नेता थे। क्या उद्देश्य था उनका? उनका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के विद्यार्थियों का विकास हो, और कैसे उस समय जो आंदोलन झारखंड अलग नहीं हुआ था उसको अलग करने में, बिहार से अलग करने में उनका काफ़ी श्रेय योगदान रहा है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम
चांडिल पुलिस ने मोहित कुमार हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में हत्या के आरोपी राजा सिंह समेत दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत फदलुगोड़ा स्थित बाबा भूतनाथ होटल में विगत 24 दिसंबर को जमशेदपुर में रहने वाले मृतक मोहित की हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी और अभियुक्त राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में मृतक के शव को ठिकाने लगाने के आरोप में पुलिस ने भूतनाथ होटल के संचालक शंकर महतो और कैलाश महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त मालवाहक टेम्पो समेत मृतक के मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। मामले का उद्भेदन करते हुए चांडिल SDPO धीरेन्द्र बंका ने बताया कि 24 दिसंबर को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त राजा सिंह ने अपने साथी मोहित कुमार को पहले जमशेदपुर स्थित डिमना मानगो सहित बाबा भूतनाथ होटल में बैठा कर शराब पिलाया और उसके बाद अपने दोस्त मोहित कुमार की हत्या कर घटनास्थल से फरार हो गया। चांडिल थाने में 25 तारीख को एक शव नहर के किनारे आसनबनी में नहर के किनारे मिला था और बाद में उस शव की पहचान रोहित कुमार के रूप में हो गई थी, मोहित कुमार के रूप में हो गई थी। तो उसके भाई के बयान के आधार पर चांडिल थाना में अज्ञात के उन्होंने नेम्ड FIR किया था। एक राजा नाम का लड़का है जो उसका दोस्त है, उसके विरुद्ध नेम्ड FIR किया था कि उसने उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया है। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि राजा उस मोहित नाम के लड़के को लेकर घटना के दिन और घटना के एक दिन पहले मतलब उसको लेके दो तीन जगह गया, वहाँ पर उसको शराब पिलाया, लास्ट में बाबा भूतनाथ होटल जो चांडिल में है वहाँ पर आया, वहाँ पर शराब पिलाया। बाद में जैसा कि राजा ने अपने प्रॉसिक्यूटिव बयान में बताया है कि उसकी कुछ बातों की बात हो गया जब ज़्यादा शराब पीने के कारण। झारखंड के 11वें CM के रूप में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण लेने के बाद उनके परिवार व रिश्तेदारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सरायकेला के चांडिल प्रखंड के दलमा की तराई में किसान परिवार में विवाहित सिबू सोरेन की तीसरी बहन एवं हेमंत सोरेन की तीसरी बुआ सुखी टुडू जानकारी के बाद भावुक हो गई। जब सुखी टुडू से मुलाकात हुई तो वह अपने रोजमर्रा के जीवन की तरह घर के कामों में व्यस्त थी। वह 70 वर्ष की उम्र में भी अपने परिवार के लिए चिंतित है। वहीं सुखी टुडू का बड़ा बेटा कपूर बागी ने ममेरे भाई हेमंत सोरेन के CM बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी युवाओं के चेहरे पर मुस्कान हो और स्थानीय नीति झारखंडियों के पक्ष में हो, जिससे यहां के बेटा बेटी के चेहरों पर खुशी दिखाई दे। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन मेरा छोटा भाई माने फुफेरा भाई ममेरा भाई होने की वजह से हमारे साथ साथ पूरे परिवार काफ़ी माने उत्साहित खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरा खुशी उसी दिन हमको होगा जिस दिन झारखंड का हर नौजवान के मुंह में खुशी दिखाई देगा। लोग बेरोजगारी के वजह से दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करें और यहाँ स्थानीय जो नीति है स्थानीय नीति हमारे पक्ष में हो, झारखंडी लोगों के पक्ष में, यहाँ का नौकरी चाकरी जो है हमारे नौजवानों को हमारे झारखंड के बेटा को मिले, बेटा बेटी को मिले। कि मेरे लिए नहीं, हर कोई का खुशियाँ देखने चाहते हैं कि बिल्कुल खुशे खुश दुनिया अगर खुश रहे तो सब कोई खुश, देश मेरा झारखंड अगर खुश रहे तो सबका दिल अगर साफ रहे तो दुनिया साफ, यही हमको आशा अब पूरा होगा। शांति का जरूरत है, हर कोई का शांति रहे खुशी रहे यही सबका, अकेले का नहीं। आपको कैसा लग रहा है आपको भाई का लड़का अच्छा CM बन रहा है? बाहर एकदम खुशी, बहुत ही खुशी। इतना दिन से चिंतित थे ना, अभी चिंता दूर होते गया, अभी सबका अच्छा देखेंगे, सब सब समय का सब तरह का खुशी सुनेंगे, यही चाहते थे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। साक्ची थाना क्षेत्र के सुभांकर हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर कई सामान बरामद किए। मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर पर चंदन कुमार का स्वेटर ट्रेलर के हुक में फंस गया, काफी दूर तक चंदन घसीटता चला गया। इस साल की विदाई और नए साल के आगमन के मद्देनजर पुख्ता पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसीलिए
एमजीएम अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और विभागाध्यक्ष डॉक्टरों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी।